यीशु मसीह के जलाली बाबरकत और खूबसूरत नाम में आप सबको सलाम। वर्शिप के दौरान मुझे इतना बरकत मिल रही थी और मेरा दिल नहायत मसीह में शादमान हो रहा था कि ये बच्चे जब मैं यहाँ पर थी तो छोटे छोटे बच्चे थे। पादरी साहब, खुदावंद आपको अपने जलाल के लिए बड़ी कसरत से इस्तेमाल करें, आपने नस्लों को चेंज कर दिया है। खुदावंद आपको बहुत बरकत दे। मैं नहायत शादमान हूँ, आप यकीन माने मेरा दिल नहायत शादमान हो रहा है इस सारी बिल्डिंग को देखकर, सारे कलीसिया को देखकर। और मेरा ख्याल है जोरदार तालियां कवायद के लिए बहुत अच्छे तरीके से पूरी जान से और पूरी ताकत से मेरे खुदावंद के नाम को जानते हैं, शुक्र गुजारी करते हैं। और बेटा मेरी दुआएं हमेशा आपके साथ रहेगी। खुदावंद आपको अपने जलाल के लिए और भी बहुत सी जगहों में इस्तेमाल करें ताकि आप खुदावंद के नाम को और ज्यादा सरबुलंद करें और उसकी हजूरी से बहुत सारी बरकत रिसीव करें। जी, मेरा नाम शमीम नदीम है और मैं फिलाडेल्फिया पेंटिकॉस्टल चर्च रावलपिंडी मदर चर्च से ताल्लुक रखती हूँ। वुमेन मिनिस्ट्री में खुदा की खादमा हूँ और जब खुदा कभी मौका देता है तो बाहर जाके भी खुदा की खिदमत करती हूँ। ये खुदा का बड़ा फजल हुआ है मुझ पर कि खुदा ने मुझे अपने लिए चुन लिया है। मैंने कभी भी सोचा नहीं था कि मैं जो है खुदा के कलाम का प्रचार कर सकती हूँ। ये उसका फजल और उसका रहम हुआ है कि उसने मुझ जैसी को भी अपने कलाम के लिए यहाँ पर जो है खड़ा कर दिया है। और शुक्रगुजारी करती हूँ पादरी साहब के लिए, उनकी सारी इंतजामिया के लिए, जो शाया फेलोशिप के लिए खुदावंद को अपने जलाल के लिए बड़ा इस्तेमाल करे और अपने जलाल के लिए हमेशा हमेशा के लिए अपने जलाल में दाखिल भी करे। और शुक्रगुजारी करती हूँ आप सब के लिए कि आप भी यहाँ पर खुदावंद के नाम को जलाल देने के लिए, खुदा के कलाम को सुनने के लिए, खुदा को सिजदा करने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। आइए एक दफ़ा पाखरू के लिए जोरदार तालियां। जो है कोटा आई हूँ, 2015 में मैं आई थी और 2015 से पहले 2010 में मैं यहाँ से चली गई थी। पहले मैं यहीं पर रहती थी, मेरी जॉब यहाँ पर थी। तो मैं, मेरी शादी हुई, शादी के बाद हम जो हैं पिंडी शिफ्ट हो गए। जब मैं पिंडी शिफ्ट हो गई उसके बाद कोटा के काफ़ी हालात ख़राब रहे और जिस वजह से मैं डर की वजह से यहाँ पर आती नहीं, क्योंकि मेरे हस्बैंड जो हैं वो आर्मी में हैं और मैं कभी भी नहीं चाहती थी कि मेरे हस्बैंड यहाँ पर आएँ। लेकिन खुदावंद के अपने मंसूबे हैं और उन्हीं दिनों में 2015 के बाद मेरे हस्बैंड की पोस्टिंग ही यहाँ पर हो गई। तो 2015 के बाद मैं जब आई तो जब रास्ते में हम आ रहे थे, ट्रेन में मैं बैठी हुई थी तो रात को मुझे डर लग रहा था। जब मुझे डर लग रहा था मैं बर्थ पर लेट गई, एक साइड पर मैंने अपने बेटे को लटाया, मैंने अपने लिए खुदावंद का सहारा लेना शुरू कर दिया। मैंने कहा, कहते हैं ट्रेन की पटड़ी के ऊपर बम फाड़ देते हैं, कभी ट्रेन पर गोलियां फायरिंग हो जाती है, कभी कुछ हो जाता है। मैं अपनी पूरी फैमिली के साथ आ गई हूँ, अपने बेटे के साथ, अपने हस्बैंड के साथ, खुदावंद मुझे सलामती से ले जाए। मेरा अंदर जो था बिल्कुल डर से भर गया। मैंने बर्थ पर लेट कर गीत गाना शुरू कर दिया, यस्सु तेरे नाम जिया दुनिया ते नाम कोई ना। मैंने एक गीत वो गाया, उसके बाद मैंने 139 जबूर गाया कि खुदाया तेरी रूह तो मैं भुला ना सके किधर जाऊं। उसके बाद खुदावा ने मुझसे कलाम करना शुरू कर दिया। खुदावा ने कहा, देख बहुत से लोग हैं जो यीशु मसीह के बारे में जानते हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जो यीशु मसीह के बारे में जानते हैं और मसीही होते हुए वो सिर्फ यीशु मसीह के बारे में जानते ही हैं, और बहुत से लोग ऐसे हैं जो यीशु मसीह को जानना चाहते हैं, यीशु मसीह को जानना चाहते हैं, यीशु मसीह के बारे में जानना और यीशु मसीह को जानना ये दोनों अलग बातें हैं। मुझे उसमें समझ नहीं आ रही थी कि यीशु मसीह
जब मैं बाइबल पढ़ रही थी तो खुदावन ने मुझे इसका हवाला भी दिया, और मैं नहीं जानती थी कि खुदावन मुझे यहाँ पर इस्तेमाल करना चाहता है। खुदावन चाहता है कि ये कलाम लेकर तू जो वहां पर जोशाया फेलोशिप चर्च में जा, और ये कलाम मैं आपके लिए सलामती का कलाम लेके आई, मैं खुशखबरी का कलाम आपके लिए लेके आई। खुदावन मुझे आपके दरमियान लेके आया है। मेरा कोई मंसूबा नहीं था कि मैं यहाँ पर खुदा के कलाम को सुनाऊं, लेकिन खुदावन जब चाहता है वो इस्तेमाल करना जानता है, और सबाब भी बनाता है और जगह भी देता है और लोग भी देता है। जी पादरी साहब, मुझे बता दीजिए कि मेरे पास कितना टाइम है ताकि मैं उसी हिसाब से अपने कलाम को जो है करूं, शुरू करूं, और उसी हिसाब से मैं इसको क्लोज भी कर पाऊं। 40 मिनट्स, ठीक है जी। आइए हम खुदावन के कलाम की तरफ बढ़ते हैं। मेरे साथ निकालिए मत्ती रसूल की मार्फत हमारे खुदावंद यसु मसीह की अंजील, मत्ती रसूल की मार्फत हमारे खुदावंद यसु मसीह की अंजील, और उसका 16 बाब और उसकी 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 आयत तक हम खुदावंद के कलाम में से पढ़ेंगे। कोई नौजवान बेटा यहाँ पर मेरे पास है, नौजवान बेटे आप बैठ जाए, आप बैठ जाए, खुदावंद आपको बरकत। नौजवान बेटा, नौजवान पहले मुझे दिखाएं कि इसके हाथ में बाइबल है, अपने बाइबल को ऊपर करें। नौजवान बेटियां, नौजवान बेटे, खुदावंद आप सबको बरकत दे, खुदावंद आप सबको बरकत दे। पर एक गल तुहानू दसां, सिपाही जड़ा हथियार तो बगैर नहीं जो चंगा होंदा, लहता सिपाही ठीक नहीं है। आप खुदावंद के घर में आए हैं, अपनी रूह की तलवार खुदा का कलाम साथ लेकर आया करें, अपनी रूह की तलवार खुदा का कलाम क्या करें साथ लेकर आया करें, ताकि घर चलो तुहानू ना भी टाइम लगे तो इतने पादरी साहब ना मिलकर जरूर तुहानू टाइम लगे, हवाला पढ़ लिया करो, ठीक है। आइए हम खुदावंद के कलाम में से पढ़ते हैं। मैं चाहती थी कि कोई नौजवान बेटा मेरे साथ पढ़ता, आओ बेटे आप आओ, ऊंची आवाज में खुदावंद के कलाम में से पढ़ो। मुझे आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई है, खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। आओ मुकद्दस मत्ती की मार्फत लिखी गई इंजील, उसका 16वां बाब और 13वीं आयत से, जब यीशु कैसरिया फिलिपी के इलाके में आया तो उसने अपने शागिर्दों से ये पूछा कि लोग इब्ने आदम को क्या कहते हैं। उन्होंने कहा, बाज यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहते हैं, बाज एलिया, बाज यर्मिया या नबियों में से कोई। उसने उनसे कहा, मगर तुम मुझे क्या कहते हो। शमाउन पत्रस ने जवाब में कहा, तू जिंदा खुदा का बेटा मसीह है। यीशु ने जवाब में उससे कहा, मुबारक है तू शमाउन बरयोना, क्योंकि ये बात गोश्त और खून ने नहीं बल्कि मेरे बाप ने जो आसमान पर है तुझ पर जाहिर की है। और मैं भी तुझसे कहता हूँ कि तू पत्रस है, और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा, और आलमे अरवा के दरवाजे उस पर गालिब ना आएंगे। मैं आसमान की बादशाही की कुंजियां तुझे दूंगा, और जो कुछ तू जमीन पर बांधेगा वो आसमान पर बंधेगा, और जो कुछ तू जमीन पर खोलेगा वो आसमान पर खुलेगा। आमीन। जो कुछ तू जमीन पर बांधेगा वो आसमान पर बंधेगा, और जो कुछ तू जमीन पर खोलेगा वो आसमान पर खुलेगा। पहले मैं आपको खुदावंद के कलाम में से मत्ती का थोड़ा सा तर्क करवाना चाहती हूँ। मत्ती की अंजील खुशखबरी की अंजील है, जिसमें मत्ती रसूल ने खुदावंद को शख्सी नजात दहिंदा के तौर पर जाहिर किया है। जैसे यूहन्ना की अंजील खुदा को, खुदावंद यीशु मसीह को खुदा का बेटा जाहिर करती है, वैसे ही मत्ती रसूल जो है ये खुदावंद यीशु मसीह को नजात दहिंदा के तौर पर जाहिर करती है कि किस तरह कोई शख्सी तौर पर खुदावंद यीशु मसीह को अपना शख्सी नजात दहिंदा, अपना पर्सनल सेवियर जो है वो क्या कर सकता है, कबूल करता है। और मत्ती की अंजील जो है यीशु मसीह के नसब नामे से लेकर यीशु मसीह के आसमान पर उठाए जाने तक है, और इसमें एक बहुत बड़ा हुक्म जिसे अरशाद-ए-आज़म है वो उसके आखिरी बाब में भी लिखा गया है
कि तू सब कौमों में जाकर क्या करना, क्या करना, शागिर्द बनाना। किसके शागिर्द बनाना? मसीह के शागिर्द बनाना, सब कौमों में जाकर। आइए हम अपने हिस्सा की तरफ बढ़ते हैं जो खुदावन ने आज हमें दिया है। मैं घर में भी बात कर रही थी कि मुझे पहले क्लासेस नहीं लगे थे, अब मुझे क्लासेस के साथ कलाम सुनाना बड़ा मुश्किल लगता है, वो भी खुदा का शुक्र हो। जब खुदावंत यीशु मसीह खिदमत में थे तो खुदावंत यीशु मसीह मुख्तलिफ जगहों से होते हुए वो गलील से यहूदिया, यहूदिया से यरूशलेम, फिर गलील, फिर कफरनहूम, मुख्तलिफ जगहों से होते हुए सूर और सीना के हिस्सा में आते हुए, और जब यीशु मसीह कहां पर पहुंचे, फिलिपी कैसरिया के पास, कैसरिया के इलाके में जब खुदावंत यीशु मसीह आए तो यीशु मसीह को पता था कि खुदावंत यीशु मसीह के बारे में लोग बातें करते हैं। तो खुदावंत यीशु मसीह ने कैसरिया फिलिपी के इलाके में आकर शागिर्दों से पूछा कि यीशु के बारे में लोग क्या कहते हैं, या मेरे बारे में लोग क्या कहते हैं। मेरे अजीजों, अगर हम देखें तो आज भी यीशु मसीह के बारे में बहुत सी लोग बहुत सी बातें करते हैं, बहुत सी कौमें यीशु मसीह के बारे में जानती हैं। पिछले दिनों एक फॉरवर्ड से मेरी मुलाकात हुई तो हमने उससे पूछा कि डिड यू नो अबाउट जीसस, तो उसने कहा यस आई नो, ही इज अ मिरेकल पर्सनैलिटी। कहते हाँ मैं यीशु के बारे में जानता हूं। वो क्या था यीशु मसीह? सिर्फ क्या था? मौजज़ात करने की कुदरत रखने वाला एक शख्स था, और जिसने आगे तारीख में एक बहुत बड़ा चेंज लेके आया। ऐसे ही अगर हम अपनी क्राफ्टी कौम से पूछते हैं, जब हम अपनी क्राफ्टी कौम से पूछते हैं कि आप यीशु मसीह के बारे में क्या कहते हैं, तो वो कहते हैं कि यीशु ईसा मसीह जो था वो मौजज़ा से पैदा हुआ था और मौजज़ात करने के लिए पैदा हुआ। बहुत से लोग यीशु मसीह के बारे में जानते हैं, बल्कि पूरी दुनिया यीशु मसीह के बारे में जानती है कि यीशु मसीह क्या है, एक मिरेकल पर्सनैलिटी है जिसने तारीख को आकर चेंज कर दिया। लेकिन बहुत सी दूसरी कौमों के जानने में और हमारे जानने में बड़ा फर्क है, और इस फर्क को आज हम देखते हैं जब हमने यीशु मसीह को जान लिया है और दूसरी कौमों में और हम में क्या फर्क है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो यीशु मसीह को जानते हैं लेकिन यीशु मसीह पर ईमान नहीं लाते, और एक ऐसी शख्सियत भी है जो कहती है तू जिंदा खुदा का बेटा तो है लेकिन उस पर ईमान नहीं लाता। अब्लीस को भी यीशु मसीह के बारे में पूरा पूरा पता है। बहुत से लोग हैं जो यीशु मसीह के को जानते, यीशु मसीह के बारे में जानते हैं, और हम में से भी ऐसे लोग हैं, बहुत से लोग हैं, हम अपने आप को नजात याफ्ता कहते हुए भी कई दफा ऐसे होता है कि हम यीशु मसीह के बारे में सिर्फ जानते ही हैं, हमने अंदर से यीशु मसीह को नहीं जाना है। जरूरत इस बात की है कि हम यीशु मसीह के बारे में ना जाने बल्कि यीशु मसीह को जान लें। क्या कहता है यीशु मसीह ने पूछा मेरे बारे में लोग क्या कहते हैं, कहते हैं क्या कहते हैं, वो दूसरा शागिर्द कहते हैं, कुछ कहते हैं कि तू यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला है, कुछ कहते हैं तू एलिया है, कुछ कहते हैं तू यर्मिया है, और कुछ कहते हैं नबियों में से कोई एक है। और जब यीशु ने पूछा कि तुम मेरे बारे में क्या कहते हो, और आज मैं यीशु के हवाले से आपसे सवाल करती हूँ कि आप यीशु के बारे में क्या कहते हैं, यीशु कौन है, अपनी पर्सनल जिंदगी का एक्सपीरियंस देखिए। यीशु मेरा शख्सी नजात दहिंदा है, हालेलुया। यीशु आपका शख्सी नजात दहिंदा है। और पत्रस ने जवाब दिया तू जिंदा
मसीह के जानने की तब्दीली। जब पतरस ने कहा कि तू जिंदा खुदा का बेटा मसीह है, तो खुदावन ने उसको क्या जवाब दिया? सबसे पहले खुदावन ने कहा, यू आर ब्लेस्ड, तू मुबारक है, जिसने यीशु मसीह को जान लिया है वो सबसे बड़ा मुबारक है। यीशु से कहा कि तू क्या है? मुबारक है। अपनी शख्सी जिंदगियों में देख ले कि अगर आपने यीशु मसीह को जान लिया है तो क्या आप मुबारक हैं? पहला नुक्ता जो है, जो यीशु मसीह को जान लेता है वो मुबारक बन जाता है, इस जमीन पर भी और आसमान पर भी। वो क्या हो जाता है? मुबारक हो जाता है। और जो मुबारक हो जाता है ना, उसके बारे में कृष्णा की किताब में बड़ी खूबसूरत बात लिखी, कहता जड़ी शहरों हाथ लाए वो भी क्यों हो जाती है? मुबारक हो जाती है, वो भी बरकत हो जाती है, वो अंदर आते भी मुबारक होता है, बाहर जाते भी मुबारक होता है, खेत में भी मुबारक होता है, नौकरी पर भी मुबारक होता है, उसकी कोई डबल शख्सियत नहीं होती। हालेलुया, प्रेज गॉड। और कहता है यीशु मसीह ने कहा, पतरस तू मुबारक है, और ये बात पाखरू ने तुझ पर जाहिर की है कि मैं तेरा शख्सी नजात दहिंदा हूं, मैं तुझे बचाने के लिए इस दुनिया में आया हूं, मैं तेरा फिदिया देने के लिए, तेरा कफारा देने के लिए यहां पर आया हूं। तूने ये जान लिया है, इसलिए तू क्या है? मुबारक है। और जब तू मुबारक है तो तेरी पर्सनैलिटी टोटली चेंज। क्या मुबारक हो देखा गाना तेरी ना काट दा ना मुबारक दी नहीं जो गल करनी मत एक समझे के ना दी गल करने बाबरकत होने की बात कर रही हूं। यीशु मसीह ने से कहा, पतरस तू मुबारक है और आइंदा से तू शमाउन नहीं होगा, तू क्या होगा? पतरस होगा। तेरे नाम के साथ यीशु मसीह का नाम जुड़ गया है। आधा से तू सिर्फ लियाकत नहीं होगा, लियाकत मसीह हो जाएगा। और जब मसीह का नाम से हम नामजद हो जाते हैं, जब हम मसीह के नाम से नामजद हो जाते हैं, जब हमारे नाम के साथ मसीह जुड़ जाते हैं, तो मेरे अजीजों हम दूर से पहचाने जाते हैं। जब हम अपना शनाख्ती कार्ड देते हैं, जब हम जाने जाते हैं, तो हर कोई जानता है कि ये कौन है? मसीह का है। किसके नाम से जाने जाते हैं? मसीह के नाम से जाने जाते हैं। और मसीह के नाम से जाना जाना कोई छोटी बात नहीं है। मैं नामजद मसीह की बात नहीं कर रही हूं, मैं हकीकी मसीही की बात कर रही हूं। और कहता है पतरस, आंदा से तू शमाऊ नहीं रहेगा, तू पतरस हो जाएगा और तेरे नाम के साथ मेरा नाम जुड़ जाएगा, तेरी शख्सियत तब्दील हो जाएगी। तू जो पहले आदम की, वो पहले महगीर था, आंदा से तू मेरी कलीसिया की रहबरी करेगा। तू जो वहां पे काम करता था झील पे, अब तू झील में नहीं बल्कि आदमियों के समुद्र में काम करेगा, और मैं तुझे बरकत बना देता हूं क्योंकि तेरी पर्सनालिटी चेंज हो गई है। और पर्सनालिटी जो चेंज हो ना, पतरस से एक ही लक्षण है पादरी साहब, कितने लोगों ने खुदावन को कबूल किया? 3000 लोगों ने। हालेलुया। जब खुदावन को जान लेते हैं मेरे अजीजों, तो हम मकनातीसी हो जाते हैं। हम मसीह के पास लोगों को, रूहों को खींचना शुरू कर देते हैं। लेकिन कैसे खींचना शुरू करते हैं? जब मसीह हमें नजर आता है, जब तब्दीली हमें नजर आती है, जब पर्सनैलिटी जो हमारी चेंज हुई है हमें नजर आता है। ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने यीशु मसीह
पुराना काम किया बाद में। पत्रस की पर्सनैलिटी खुदा ने, खुदावंद यीशु मसीह ने क्या कर दी? चेंज कर दी, तब्दीली आ गई। मेरे पास बहुत सारे रेफरेंस है लेकिन मैं रेफरेंस नहीं दे रही। और कहता है तू आइंदा से क्या होगा? पत्रस होगा और आइंदा से कलीसिया की क्या करेगा? रहबरी करेगा। बहुत से लोगों को जाकर मेरे नाम के लिए तू क्या करेगा? मेरी तरफ खींच लाएगा। बहुत से लोगों को तू क्या करेगा? मसीह दिखाएगा, अपनी जिंदगी से दिखाएगा, अपने करदार से दिखाएगा, अपने चाल चलन से दिखाएगा। क्योंकि जो कोई मसीह में आ जाता है तो पुरानी इंसानियत चली जाती है, नई इंसानियत, नया लिबास, नई बातें, नई जिंदगी, सब कुछ नया हो जाता है। और इसी तरह खुदावन चाहता है कि आप खुदावन को जान लें ताकि आप कंप्लीटली तौर पर, मुकम्मल तौर पर क्या हो जाए? तब्दील हो जाए। आमेन। शख्सियत तब्दील हो जाती है जब कोई यीशु को जानता है, मुबारक हो जाता है। जब कोई यीशु को जानता है तो उसकी शख्सियत क्या हो जाती है? तब्दील हो जाती है। तीसरी बात कहता है, मैं तेरी बुनियाद क्या कर दूंगा? मजबूत कर दूंगा और तेरी बुनियाद यीशु चट्टान पर होगी। हालेलुया। यीशु मसीह चट्टान है और वो चट्टान है जो पानी भी पिलाता है। हालेलुया। मजबूत चट्टान है। खुदावंद में जब कोई आ जाता है, जब खुदावंद को कोई जान लेता है, जब खुदावंद यीशु मसीह को कोई जान लेता है तो उसकी मजबूत बुनियाद क्या हो जाती है? मजबूत हो जाती है। उसकी न्यू क्या है मसीह में? मजबूत हो जाती है। कोई उसको उखाड़ नहीं सकता। लेकिन अखाड़े वो ही जाते जिहड़े कच्चे पुने होंदे ने। उखाड़े वही जाते हैं जो मसीह के बारे में जानते हैं, मसीह को नहीं जानते। जिन्होंने मसीह को जान लिया है वो मसीह में पवित्र हो जाते हैं। वो मसीह में क्या हो जाते हैं? पवित्र हो जाते हैं और वो फल लाना शुरू कर देते हैं। हालेलुया। फल से पता चलता है कि मैंने मसीह को जाना है या नहीं जाना। करदार से पता चलता है कि मैंने मसीह के बारे में जाना है या मैंने मसीह को जान लिया है। मसीह के बारे में बहुत से लोग जानते हैं, मसीह के बारे में बहुत से लोग जानते हैं और हम इस बात को भी जानते हैं कि जब मसीह ने किसी को जान लिया ना तो फिर वो अकेला नहीं रहता। हालेलुया। अगली बात है, जब डाकू ने यीशु मसीह को कबूल कर ले, कहता खुदावन जो तो अपनी बादशाही च जाएगा तो मैनू भी की कर ली? याद कर ली। मैं एक दिन सोच रही थी, उसको भी पता है ये बंदा मेरे साथ लटका हुआ है, इसने भी मर जाना है और मैंने भी क्या करना है? मर जाना है। फिर भी वो यीशु से कहता है जो अपनी बादशाही से जाएगा तो मैनू की कर ली? याद कर। लेकिन उसने मसीह के बारे में सुना हुआ था। यीशु मसीह ने 3.5 साल जो खिदमत की थी उसके बारे में लोगों से उसने बहुत कुछ सुन रखा था कि ये मौजजात का खुदा है। और वो डाकू इस बात पर ईमान रखता था कि ये क्या होगा, ये मर भी जाएगा तो फिर क्या हो जाएगा? जिंदा हो जाएगा और इसकी बादशाही जरूर आएगी। और यीशु मसीह ने उसे क्या कहा? तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। और यहां पर लिखा है आलम रबा के दरवाजे तुझ पर गालिब ना आएंगे। आलम अरवा के दरवाजे तुझ पर गालिब ना आएंगे। पहली बात जो हमने खुदावंद के कलाम में से सीखी कि जो यीशु मसीह को जान लेता है वो मुबारक हो जाता है। दूसरी बात जो हमने खुदावंद यीशु मसीह के कलाम में से सीखी कि खुदावंद का रूह जो है
मसीह की कि उसकी बुनियाद जो है मसीह में मजबूत हो जाती है, कोई उस बुनियाद को उखाड़ नहीं सकता। और पांचवी बात जो हम खुदा के कलाम में से सीखेंगे वो है कि आलम रवा पताल के दरवाजे, जो यीशु मसीह को जान लेता है, जो यीशु मसीह को पहन लेता है, जो यीशु मसीह के साथ हो लेता है, जो यीशु मसीह को अपना शख्सी नजात देता कबूल कर लेता है, वो मरने के बाद जस्मानी मौत के बाद पताल में नहीं जाता, बल्कि उसकी रूह जिंदा खुदा के पास चली जाती है। हालेलुया। आलमे रुहा के दरवाजे उस पर गालब नहीं आते जिन्होंने यीशु मसीह को जान लिया है। तो जिन्हें यीशु मसीह के बारे च जानिया हो लगता कि उसे जानते जी। आलमे रुहा के दरवाजे तुझ पर गालब नहीं आएंगे। और अभी अबदी जिंदगी की बात शुरू हो रही है। हालेलुया। मसीह अबदी जिंदगी की पहचान है। आमेन। मसीह अपनी जिंदगी की पहचान है, मसीह अपनी जिंदगी की उम्मीद है। और अभी अपनी जिंदगी की बात हो रही है, कहता कि आलमे रुहा नहीं जाएगा, वो सीधा अपनी जिंदगी में अपने शख्सी नजात दहिंदा के पास जाएगा, जिसने मसीह को जान लिया है और जिसने मसीह को पहन लिया है और जिसने मसीह को अपना शख्सी नजात दहिंदा कबूल कर लिया है। मेरे बहनों, बहुत से लोग हैं जिन्होंने यीशु मसीह को अपना शख्सी नजात दहिंदा तो कबूल किया हुआ है, लेकिन अभी तक यीशु मसीह को जाना नहीं है। यीशु मसीह को जानना बहुत जरूरी है। और जब कोई यीशु मसीह को जान लेता है तो उसके बारे में लिखा है कि आसमान की बादशाही में जाता है, वो अपनी जिंदगी में जाता है, उसकी रूह यहां और वहां भटकती नहीं फिरती है, और वो अपनी पूरी उम्र पाकर यीशु मसीह में जाता है। आमीन। और आगे लिखा है, जो कुछ उसके इख्तियार की बात को देखे, जो यीशु मसीह को जान लेता है उसके इख्तियार को देखे, जो कुछ वो जमीन पर बांधता है वो आसमान पर बांध जाता है। खुदावंद यीशु मसीह ने तुम्हें बाइख्तियार बना दिया है। हालेलुया। आप बाइख्तियार लोग हैं। खुदावंद यीशु मसीह ने जाने से पहले कहा कि मैं अपना इख्तियार तुम्हें देता हूं, और उसने इख्तियार दिया और उसने कहा जो कुछ तुम जमीन पर बांधो, जो कुछ तुम जमीन पर बांधो वो आसमान पर खुदा बाप बांध देगा। और आज भी मेरे बहनों, मेरे भाइयों, खुदावंद मौजजात का खुदा है। मैंने अपनी शख्सी जिंदगी में तजर्बा किया है, मैंने अपनी शख्सी जिंदगी में तजर्बा किया है मेरे अजीजों, कि जो कुछ जमीन पर मांगा है वो आसमान से मिल जाता है। हालेलुया। जरा अपने अपने हाथ उठाएं, किस किस ने शख्सी तजर्बा किया मसीह की मोहब्बत का, मसीह के इख्तियार का। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल। हमने मसीह की जिंदगी का, मसीह के इख्तियार का, मसीह को जानने का अपनी जिंदगी में तजर्बा किया है, उसकी भलाई को अपनी जिंदगी में देखा है और उसके इख्तियार को इस्तेमाल करके भी देखा है। हालेलुया। वो कहता है जो कुछ तुम जमीन पर बांधो वो आसमान पर बंधेगा, और जो कुछ तुम जमीन पर खोलोगे वो आसमान पर खुल जाएगा। लेकिन खुलेगा किधर? जिधर यीशु मसीह को जान जाओगे। खुलेगा कब? जब यीशु मसीह को जान जाएंगे। और यीशु मसीह ने हमें पता कब जाने? इफिसियों के खाते में बड़ी खूबसूरत बात लिखी है, कहते हैं कि जब हम गुनाहों के सबब से मुर्दा ही थे, जब हम गुनाहों के सबब से मुर्दा ही थे तो बाप ने हमें अपने बेटे के साथ जिलाया और आसमानी मकामों पर बिठाया। असि जरा रोलते फिरते हम आसमान की बादशाह
थ्रोनों पर बैठते हैं, उनको इख्तियार दिया गया है, उन पर फजल हुआ है, हम पर फजल हुआ है कि हमने मसीह को जान लिया है। और जब हम मसीह को जान लेंगे तो हम यहीं पे पड़े नहीं रहेंगे, हम यहीं पे पड़े नहीं रहेंगे, बल्कि क्या होगा, जब खुदा का बेटा मसीह आसमान से बादलों पर आएगा तो हम हवा में उड़कर उसका क्या करेंगे, इस्तकबाल करेंगे और उसके जलाल में दाखिल हो जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उसके जलाल में दाखिल होना चाहते हैं, हालेलुया तो सही तरीके ना बोलो, जोर दे हालेलुया। प्रेज गॉड, नारे जो है ना वो जिंदा कलीसियों की पहचान होती है, नारे मारना बल्कि दौड़ जाए नारे, हालेलुया। लेकिन नारे ओदो ही दौड़ता थे जिधर यीशु मसीह ने जान के मारिए थे, जो खाली खुली नारे मारिए ना तब ये सोनी जो दौड़ता, हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल मेरे बहनों मेरे भाइयों, आज खुदा का कलाम आपके लिए ये है कि आपने खुदा को खुदा यीशु मसीह को जान लिया है। अगर जान लिया है तो शुक्रगुजारी करना शुरू करें, अगर आपने यीशु मसीह को जान लिया है तो शुक्रगुजारी करना शुरू करें। एक बात मैं आपको बताऊं, हम कभी भी अपने आप को परख नहीं सकते हैं, लेकिन खुदा का जिंदा कलाम हमारे परखने की बड़ी खूबसूरत कसवटी है। आप देखें, अगर 3-5 चीजें हमने आज खुदा के कलाम में से पढ़ी हैं, क्या मैं जमीन पर मुबारक हूं, क्या खुदा का पाक रूह अपने कलाम के वसीला से मुझसे बात करता है, क्या मेरी शख्सियत पहले की तरह है, अगर पहले की तरह है तो ये खतरे की घंटी है, अगर पहले की तरह है तो ये खतरे की घंटी है। आपको तब्दील होना होगा, आपको मसीह को जानना होगा, अपना शख्सी नजात दहिंदा सिर्फ जाहिरी तौर पर नहीं बल्कि बातनी तौर पर अपने अंदर यीशु मसीह को जानना होगा। और देखें कि आपकी बुनियाद मसीह में मजबूत है, अगर आपकी मजबूत बुनियाद मसीह में मजबूत है, आप मसीह के साथ जुड़े हुए हैं, आप मसीह के साथ पवित्र हो चुके हैं, तो अपनी जिंदगी के फलों को देखना शुरू कर दीजिए, अपनी जिंदगी के फलों को देखना शुरू कर दीजिए। क्या मुझ में नेकी का फल लगा हुआ है, क्या मुझ में मोहब्बत का फल लगा हुआ है, क्या मुझ में परहेजगारी का फल लगा हुआ है, क्या मुझ में मसीह के साथ चलने का फल लगा हुआ है, क्या मैं बहुत सी लोगों को कलाम सुनाने का फल लगा हुआ है, क्या मैं बहुत सी लोगों को अपने लिए अपने मसीह के लिए अपनी बातों से अपने करदार से जीत सकता हूँ। अगर जीत सकते हैं तो शुक्रगुजारी कीजिए, क्योंकि आपने मसीह को जान लिया है। और अगर बड़ी खूबसूरत बात आखिर में जो हमने देखी कि आपके पास मसीह का इख्तियार है कि नहीं, उसने आपको जाने से पहले अपना इख्तियार दिया था, आप उस इख्तियार को इस्तेमाल कर रहे हैं या आपके पास वो इख्तियार है कि नहीं, अगर आपके पास है तो खुदा की शुक्रगुजारी कीजिए, अपने आप को खुदा के कलाम की कसवटी पर परखना शुरू कर दीजिए इससे पहले कि कोई और परखे। अब खुद अपने आप को परखना शुरू कीजिए कि क्या मैं मसीह के बारे में जानती हूँ, क्या मैं मसीह के बारे में जानता हूँ, या मैं मसीह को जानती हूँ, क्या मैं मसीह को जानता हूँ। अगर नहीं जानते तो आज जान लीजिए कि यीशु नजात देने के लिए जमीन पर आया, और यीशु ही जिंदा खुदा का बेटा मसीह है जो मसा किया हुआ था ताकि क्या करे, नजात दे हमें, हमारे गुनाहों से नजात दे, अबलीस से नजात दे, हमें कब्र से नजात दे, हमारे लिए मखल सी हो, अदालत ना हो, बल्कि हम बचाए जाए, हमारी खातर मसीह अदालत में खड़ा हो गया इसलिए कि हम बचाए जाए। अगर आपने जान लिया है मसीह को तो शुक्रगुजारी करना शुरू कीजिए। आइए अपनी आंखों को बंद करते हैं।